नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। जयराम बोले, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने बदली हिमाचल की तकदीर। अर्जुन अवार्डी सुमन रावत मेहता कांग्रेस में शामिल, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दिलाई सदस्यता। रायजादा की नसीहत, पार्टी सत्ता में नहीं आई तो बड़े पदाधिकारियों के ओहदे भी नहीं रहेंगे सलामत। हिमाचल पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, विधानसभा चुनाव से पहले 24 पुलिस अधिकारी ट्रांसफर। शराब ठेका खोलने के विरोध में महिलाओं ने मंडी पठानकोट हाईवे किया जाम, माहौल तनावपूर्ण। हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 50 से ज्यादा सड़कें अभी भी ठप। अब समाचार विस्तार से। अम्मा। हाँ। तैयार हो गया हूँ मैं, अपने चूल्हे पर जल्दी से मेरे लिए चाय बना दे। आ जा बेटा, अब देर कैसी, सब जल्दी जल्दी, ना धुआं ना लकड़ी का झंझट, टाइम की भी बचत। मैं तो बोलती हूँ कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा से सबको फायदा हुआ है। ठीक बोला अम्मा, बिल्कुल सही। जयराम सरकार ने उन पात्र परिवारों को भी मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत खाना पकाने के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन दिए, जो परिवार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल नहीं हो सके थे, और हमारा हिमाचल बन गया देश का पहला धुआं मुक्त राज्य। हिमाचल में सुनिश्चित हो रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये है मेरे प्यारे बदलते हिमाचल की तस्वीर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 50% सड़कें महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित की गई हैं, और इसका पूर्ण श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है, जिनका हिमाचल प्रदेश के प्रति सदैव स्नेहपूर्ण भाव रहा। वर्तमान में प्रदेश में दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों सहित 19,000 किलोमीटर सड़कें लोगों को सड़क संपर्क सुविधा प्रदान कर रही है। कांगड़ा जिला के इंदौरा में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष क्रम के अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न चुनौतियों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद इस पहाड़ी राज्य ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल हमें प्रदेश के अस्तित्व के गौरवशाली इतिहास से अवगत करवाते हैं, बल्कि प्रदेश और विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए समर्पण और मेहनत से कार्य करने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। हिमाचल में खेल जगत की जानी मानी हस्ती एवं खेल विभाग के पूर्व निदेशक अर्जुन अवार्डी सुमन रावत मेहता ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने गुरुवार को सुमन रावत को पार्टी की सदस्यता दिलाई और पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि सुमन रावत के कांग्रेस में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि सुमन रावत ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिमाचल का नाम न केवल बल्कि दुनिया भर में रोशन किया है। उनका कांग्रेस पार्टी से जुड़ना गौरव की बात है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता देवेंद्र बुशहरी भी उपस्थित रहे। सुमन रावत मेहता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्वतंत्रता संग्राम से लेकर वर्तमान के उन्नत भारत को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले ऊना के कांग्रेसी विधायक सतपाल सिंह रायजादा ने एक बार फिर अपने ही संगठन को नसीहत दे डाली। लखविंदर राणा और पवन काजल के कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने के महज 24 घंटे के भीतर ही सतपाल रायजादा ने इस मसले पर अपनी पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। वहीं गुरुवार को जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में विधायक सतपाल रायजादा ने लखविंदर राणा और पवन काजल के पार्टी छोड़ने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने इसके लिए कहीं ना कहीं अपने ही संगठन और नेतृत्व को भी जिम्मेदार ठहराया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। स्वस्थ बनेगा हर कोई, जीवन होगा खुशहाल। हिमाचल सरकार है रख रही सबकी सेहत का ख्याल। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिमकेयर, मुख्यमंत्री सहारा योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष व मुख्यमंत्री निशुल्क सहायता कोष और मुख्यमंत्री निशुल्क दवाई योजना से हिमाचल सरकार रख रही है सबके स्वास्थ्य का ख्याल। स्वस्थ बनेगा हर कोई, जीवन होगा खुशहाल। हिमाचल सरकार है रख रही सबकी सेहत का ख्याल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। हिमाचल सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा कैडर के 24 अधिकारियों की ट्रांसफर की है। इसे लेकर मुख्य सचिव आरडी धीमान ने वीरवार को आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने एएसपी सेकंड आईआरबीएन बटालियन सकोह शमशेर सिंह को मुख्यालय जिला में एएसपी लगाया है। एएसपी हमीरपुर विजय कुमार सकलानी को एएसपी फोर्थ आईआरबीएन बटालियन जंगल बैरी तैनाती का इंतजार कर रहे शिवराम चौधरी को सेकंड आईआरबीएन बटालियन सकोह में एएसपी लगाया है। एएसपी बिलासपुर अमित शर्मा, एएसपी फर्स्ट आईआरबीएन बटालियन बनगढ़, एएसपी फिफ्थ आईआरबीएन बस्ती अजय कुमार को बिलासपुर में एएसपी, एएसपी सोलन अशोक कुमार को एएसपी हमीरपुर, एएसपी फोर्थ आईआरबीएन जंगल बैरी राजेंद्र कुमार को एएसपी बिलासपुर, एएसपी सीआईडी शिमला सुनील दत्त को एएसपी कांगड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदरनगर में रिहायशी इलाके में शराब का ठेका खोलने को लेकर फिर से महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शहर से करीब 1 किलोमीटर दूर शराब का ठेका महिलाओं के विरोध के बाद आधी रात को खोल दिया गया। इससे गुस्साई महिलाएं मंडी पठानकोट हाईवे पर धरने पर बैठ गई। महिलाओं के चक्का जाम से हाईवे पर यातायात ठप हो गया। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर महिलाओं को बीच सड़क से हटाया। इस दौरान पुलिस व प्रदर्शन कर रही महिलाओं में हल्की धक्का मुक्की भी हो गई। करीब 30 से 40 महिलाओं ने मंडी पठानकोट हाईवे पर इकट्ठा होकर अपना विरोध जताया। साथ ही चेता दिया कि यदि रिहायशी इलाके में शराब का ठेका बंद नहीं किया गया तो हाईवे फिर से बंद करने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 19 से 21 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट है। पूरे प्रदेश में 24 अगस्त तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार भारी बारिश की स्थिति में पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन भी हो सकता है। ऐसे में लोगों को स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने को कहा गया है। स्थानीय लोगों व पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की भी सलाह दी गई है। उधर राज्य आपदा संचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में गुरुवार सुबह तक प्रदेश में 83 सड़कें ठप थी। इसके अलावा 31 बिजली ट्रांसफार्मर व 9 पेयजल योजनाएं भी बाधित हैं। विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर जिले में भारी बारिश की संभावना है। अरे विमल, कुछ दिनों से काम पर नहीं आए, सब ठीक तो है? क्या बताऊं मैडम, ताऊ जी बहुत बीमार हैं, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पैसे नहीं है, परेशान हूँ। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मदद नहीं ली? ये क्या है? ये कोष गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब लोगों के इलाज के लिए आर्थिक रूप से सहायता करता है। अच्छा, इलाज प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल पीजीआई चंडीगढ़, सरकारी अस्पताल सेक्टर 32 चंडीगढ़ तथा एम्स दिल्ली में भी करवाया जा सकता है। अरे वाह मैडम, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? मैं आज ही इस कोष की मदद लेता हूं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।